नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षा में हमने ज्योग्राफी की, जो इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ें थी उसे हमने जाना था, उसे समझा था, जो हमने दो पार्ट में कंप्लीट करा था उस चैप्टर को। और उसमें जो मूल बात थी वो भारत की आकार, स्थिति, जो लोकेशन है, अक्षांश देशांतर की जो स्थिति है, भारत का अक्षांश देशांतर क्या है, इन सब चीज़ों को हमने समझा था, जाना था। आज का चैप्टर ज्योग्राफी का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके लिए मैंने अच्छे से जो है तैयारी भी की है ताकि मैं आपको बेहतर ढंग से चीज़ों को समझा सकूं। इन सबको शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा आप उसे क्लिक कर दें ताकि जो अपडेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए उसे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक जो जनरलाइज मेथड है जो सारे दूसरे टीचर्स करते हैं कि मैं सीधे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ता चला जाऊं और आपको कहानी सुना दूं, ये एक ऑप्शन था मेरे पास। या दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं पहले कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर में आने वाले हैं, बहुत सारे टर्म, ज्योग्राफिकल जो कोर ज्योग्राफी के सेक्शन है उसके बहुत सारे टर्म इसमें आने वाले हैं, तो पहले मैं उन टर्म से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे समझा दूं, फिर मैं चैप्टर को शुरू करूं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फंडामेंटल्स है वो सामान्य विद्यार्थी की तुलना में काफ़ी बेहतर हो जाएगा और मैं उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और समझाने में मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहूँगा, मुझे पता है। ठीक है, तो मैंने दूसरे मेथड को चुना है। मैं इससे रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट्स को समझाऊँगा जो इस चैप्टर में आगे आने वाले हैं, जैसे प्लेट विवर्तनिकी आएगी तो प्लेट विवर्तनिकी टर्म क्या है, अब सीधे मैं इसको रीडिंग देता चला जाऊँगा और पढ़ता चला जाऊँगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत है, या पेंजिया, गोंडवाना लैंड, ये सब टर्म इसमें आने वाले हैं, तो मैं या तो फिर इसको रीडिंग करके सीधे चला जाता, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये, इस लाइन को सीधे ऐसे पढ़ देता, इस तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, बस 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 यहीं रीडिंग करता हुआ मैं चला जाता, या मैं पहले उन चीज़ों को समझा दूँ ताकि जो टर्म आएगा बीच में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या अगर थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें कुछ नहीं होगी तो मैं वहाँ पे उसे क्लियर कर दूँगा। तो मैंने दूसरा मेथड चुना है और दूसरे मेथड से ही हम पढ़ेंगे ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो। ठीक है, चलिए चैप्टर को हम वहीं से शुरू करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसको जो ये चैप्टर है चैप्टर 2, इसे हम तीन पार्ट में करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी बातें हैं। आपको पूरी इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी समझानी है, उसकी डेवलपमेंट को समझानी है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम तीन पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट आज हम करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं, वहाँ से जो है चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें चाहिए एक ब्लैंक पेज, ये रहा ब्लैंक पेज। ठीक है, ये ठीक है। चलिए, तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे हम पहले जान लें और उसे हम क्रम में ही समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं कि एक है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ेंगे या हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स रहा है ग्रेजुएशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मैंने इसे काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो इन सब चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसे आप 3 पे रखिए, 2 पे आप रखिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग को,
अर्थात सागर तल पर शरण उसे बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रीडिंग। ठीक है, ठीक है। इन तीन सिद्धांतों को हमें समझना है पहले, उसके बाद जो है, और ये बेसिकली है किस चीज़ पे पहले ये जानिए, ये बेसिकली जो है ज्योग्राफी में जो लैंड का निर्माण होता है उसके निर्माण प्रक्रिया को, जो पृथ्वी की पूरी विकास की प्रक्रिया है उसको समझाया गया है इन तीनों सिद्धांतों में, और तीनों क्रम में डेवलप हुआ है। पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया, एक वेगनर थे विद्वान, उन्होंने दिया, उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया, और सबसे लास्ट में प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत आया। तो सामान्य सी बात है जो सबसे बाद में आएगी वो सबसे बेहतर होगी, क्योंकि वो पिछले वाले से काफ़ी सारी चीज़ें सीख कर अपने आप में सुधार कर लेगा। ठीक है, तो हम पहले शुरू करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हम ज़्यादा डेप्थली नहीं जाएंगे, जो हमारे जीएस के लायक है हम उसी चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये जर्मनी के एक स्कॉलर थे वेगनर, उन्होंने 1920 के दशक में, 1910-12 के आसपास से लेके 20 के बीच में उन्होंने इस पे जो है एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का सरफेस है या जो द्वीप है या जो स्थलीय समूह है या सागरीय समूह है, ये विस्थापित होकर, आज का जो स्थिति है विस्थापित होकर अलग अलग जगहों पे बसा है। पहले ये सभी एकजुट थे, अभी विस्थापित के बाद जो है सभी अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रमाण उपस्थित किए, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं जिस देश में मिलता है या जिस प्रकार की मिट्टी है वो अलग अलग देशों में नहीं मिलना चाहिए, इस तरह के उन्होंने बहुत सारे प्रमाण उपस्थित किए, जो यहाँ हमें ज़्यादा डेप्थली बात करने की ज़रूरत नहीं है, पर सामान्य सामान्य बातें हम करते हैं। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया तो उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस एक युग है ज्योग्राफी में, कार्बोनिफेरस युग, इस युग में एक विशाल खंड था, एक विशाल विशाल स्थल खंड था। ठीक है, स्थल खंड, ठीक है, दो चीजें थी, एक तो स्थलीय भाग और एक था जलीय भाग, जो पूरा समूह था, एक ऐसे रखिए कि पूरा ये समूह था जिसमें कि कुछ भागों में ऐसे बना हुआ था पृथ्वी के मतलब स्थलीय भाग लैंड और यहाँ पे क्या था ओशियन। तो जो स्थलीय भाग था उसे इन्होंने पेंजिया कहा, ठीक है, और जो जलीय भाग था उसे इन्होंने पैंथालासा कहा। नाम है, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, आपको अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो फिर भी आप समझिए, चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि ये मान लीजिए कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको ये ना लगे कि बिल्कुल नई चीज़ है। ठीक है, तो जो स्थलीय भाग था वो आगे चल के दो भागों में वर्गीकृत हो गया, बस इतना ही है, ज़्यादा आप मत सोचिए, बहुत लेंदी नहीं है कुछ। इसको बोला इन्होंने लॉरेशिया और दूसरे को इन्होंने बोला गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, पैंथालासा की कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो जो ये लैंड वाला हिस्सा था वो क्या हो गया, तो ये पेंजिया हो गया, जो सागर वाला हिस्सा था वो क्या हो गया, पैंथालासा। तो एक समय के बाद जो है, एक लंबे समय के बाद जो ट्रियासिक युग आया, एक और युग आया, तो वो आपको याद नहीं रखना है, कार्बोनिफेरस बस याद रखिए बहुत है, उसमें ये जो है टूटा और अलग अलग हिस्सों में बटकर जाने लगा। जैसे इसका उत्तरी हिस्सा जो है क्या हुआ, जो लॉरेशिया था उससे नॉर्थ अमेरिका वगैरह बना, वो इधर चला आया, और जो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा था उससे जो है अफ्रीका बना, एशिया बना, और जो भारत का निर्माण हुआ ये सब बना, ऑस्ट्रेलिया बना, तो ये सब जो बना वो किससे बना, तो गोंडवाना लैंड से बना। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने जो है पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया। ठीक है, अब इसका अगर डायग्राम देखेंगे आप, तो डायग्राम अभी मैंने दिखाया था आपको, इसी में होगा, ये देखिए ये डायग्राम है इसका,
मैंने मैप से इसको जो है गूगल से डाउनलोड किया था ताकि आप देख सकें। देखिए ये रहा पेंथालासा जो ओशियन भाग था, ठीक है, और पेंजिया। पेंजिया कौन सा होगा? तो पेंजिया ये जितना स्थल वाला भाग है पूरा वो पेंजिया है। पेंजिया और पेंथालासा बोला था ना, तो ये पूरा पेंजिया है। और पेंजिया को दो भागों में बांटा जाएगा, तो जो उत्तरी वाला हिस्सा है क्या हो जाएगा, लॉरेशिया, और जो दक्षिण वाला भाग क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। तो यही चीज़ सब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो इसी से जो है बाद में नॉर्थ अमेरिका इधर चला जाएगा, तो ये नॉर्थ अमेरिका बनेगा, ये साउथ अमेरिका बन जाएगा, ये अफ्रीका बन जाएगा, यहाँ इंडिया इससे बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा, अंटार्कटिका बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पे समझाया गया, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे सिद्धांत को थोड़े से फंडामेंटल्स को समझते हैं। दूसरा सिद्धांत हमने क्या बोला था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी जैसा नाम से उसके स्पष्ट है कि जो सागरीय तल है, ठीक है, वो एक महासागरीय कटक क्षेत्र है जहाँ से भूगर्भित जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंतर अंदर से बाहर आती है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया में क्या होता है कि वह दो विपरीत दिशाओं में स्थापित होता है। मतलब सीधा सा समझिए कि जो नई भूमि का निर्माण होगा, जो दूसरा सिद्धांत था सी फ्लोर का, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि जो मैग्मा से नई भूमि का निर्माण होगा वो जो है इससे उसके प्रसारण की प्रक्रिया को इस सिद्धांत में समझाया गया, जो 1960 में हेस के द्वारा दिया गया, ठीक है, और हैरी हेस नाम था इनका पूरा, हैरी हेस के द्वारा 1960 में दिया गया। इसी सिद्धांत को थोड़ा और डेवलप करके तीसरा सिद्धांत आया प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक है, तो इसे प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। इसमें क्या बताया इन्होंने, इसमें ये बताया कि जो महाद्वीपीय तल, पहले तो प्लेट क्या होता है, प्लेट जो हम स्थल पे रहते हैं जो ऊपरी हिस्सा है वो प्लेट है, इनके टूटने फूटने की प्रक्रिया या इनमें जो बनावटों में परिवर्तन आता है उसको जो है विवर्तनिकी की क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उसी की संपूर्ण प्रक्रिया का जो है प्लेट का जो विस्थापन हो रहा है उसके लिए कौन से फोर्स काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर, या पृथ्वी में पृथ्वी पे कौन कौन से मुख्य प्लेट हैं, कहाँ पे अवस्थित हैं, सागरीय प्लेट की क्या खूबी है, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट की क्या खूबी है, कौन भारी है कौन हल्का है, इन सब चीज़ों पर बहुत सारी बातें कही गई है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये सब बातें आप याद रखिए। इसमें इन्होंने तीन तरह की प्लेटों की बात की है कि एक जो है दिशा, इनकी दिशा से जैसे दो सामने सामने से टकरा रहे हैं, दो विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, दो जो है अगल बगल से निकल गए, टकराहट नहीं हुई, तो ये तीन कंडीशन बताया है, इसका नाम भी दिया है, वो आगे चैप्टर में आएगा, वहाँ हम एक बार इसको फिर से करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चैप्टर में वापस आते हैं, चैप्टर में फिर वहाँ पर जो है हम इस पर बात करेंगे, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है, आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत के भू आकृतियों की विशेषताओं और उनकी संरचनाओं के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में किया गया, वहीं कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम भी होती है जिसका प्रयोग टेलकम पाउडर बनाने में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी है। शैलों का मतलब है चट्टान, ठीक है, अलग अलग मिट्टी जो है अलग अलग प्रकार के शैल से बनेगी। जैसे अगर किसी प्रदेश में जो पत्थर है उसका अगर रंग लाल है तो वहाँ पे जो मिट्टी बनेगी वो लाल होगी और उसमें आयरन की अधिकता होगी, अगर काला है
तो इसका मतलब है कि ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला था उसका जो है प्रमुखता है, इसलिए वो काली है, तो वहाँ पे कपास का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है समझाई गई है, ठीक है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? जी, हमने अभी सोच लिया, हमने उसी पे अभी बात की। इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। बिल्कुल सही बात है। भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। हमने दो कालों पे अभी बात की थी, कार्बनिफेरस पे और एक और टर्फ पे, कौन सा था दूसरा, ट्रियासिक युग, ठीक है। भारत एक विशाल भूभाग है, इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। इसके ऊंचाइयों को प्रभावित करता है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं भी है, जैसे अपक्षय, अपक्षय को बोलते हैं वेदरिंग, अपरदन को बोलते हैं इरोजन, और निक्षेपण को बोलते हैं डिपोजिशन। इंग्लिश टर्म भी याद रखें ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। निक्षेपण के द्वारा वर्तमान ऊंचाइयों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। चलिए अब यहाँ आते हैं साइड में। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांत की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है, जिस पे अभी हमने बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी मतलब प्लेट सात बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों पे बनी हुई है। हमने बात की थी कि प्लेट जो है अलग अलग जो है प्रकार के में उसे वर्गीकृत किया गया है कि कौन सा प्लेट कहाँ पे है और उससे कौन सा महासागर या महादेश का निर्माण हुआ है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर तथा ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वलन मतलब फोल्डिंग, भ्रंशीकरण मतलब फॉल्टिंग, फॉल्ट मतलब कि धंसना, ज्वालामुखी क्रिया होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को, ठीक है, तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो कुछ प्लेटों एक दूसरे के करीब आते हैं। चलिए अब तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया, ये तीन वर्ग यही तीनों है जो मैप में दिख रहा है, जिसका अभी हम सब समझ रहे थे। तो हम बात भी मैंने की थी उस पर कि दो अगर सामने सामने से आ रहा है तो इसको बोलते हैं अभिसारी परिसीमा, और दो विपरीत दिशाओं में जा रहा है, जो मैंने बताया भी था आपको कि दो विपरीत दिशा में जाएगा और दो जो है स्लाइड कर गया अगल बगल से। तो इस कंडीशंस में क्या क्या होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पहला कंडीशन है, इसको थोड़ा सा मैं डेप्थली ले जाता हूँ। तो अगर दो प्लेट सामने सामने आ रहे हैं, ठीक, तो जो भारी होगा जो प्लेट, ये पहला स्टेज हो गया। दूसरे में क्या होगा, जो मान लीजिए कि ये प्लेट भारी है, तो जब ये दोनों टकराएंगे, जब नज़दीक पहुंचेंगे, तो जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो अपने वजन के कारण नीचे धंस जाएगा, और जो हल्का होगा उसके ऊपर चला जाएगा, और ये एक समय के बाद जब नीचे पहुंचेगा तो इसमें टूटन आएगी, मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो भारी होगी वो नीचे चला जाएगा। जब जो महासागरीय जो ओशन का होता है, ओशन का अगर मान लीजिए कि ये ओशन का है और ये लैंड का है, दोनों प्लेट है, एक सागर का है जहाँ पे सागर और जो स्थलीय भाग है मिलती है मान लीजिए, तो सागर का जो होता है वो प्लेट भारी होता है, वो नीचे जाएगा, मतलब नॉर्मली वो नीचे ही जाएगा। और महाद्वीप का जो भाग होता है, जो लैंड का जो प्लेट होता है, वो हल्का होता है सागर की तुलना में। तो वहीं यहाँ पे समझाया गया है। और ये दूसरा कंडीशन कब होता है, जब ये मेल्ट हो जाएगा, तो मेल्ट होने के बाद यहाँ नीचे से ये निकलेगा, यहाँ से मैग्मा निकलने के बाद दोनों दो विपरीत दिशाओं में जाएगा और नया भूभाग का यहाँ पे जमा करते जाएगा। जमा होने से क्या होगा कि नया आइलैंड बनेगा, जैसे आप सागर में देखते हैं कि नए नए द्वीप समूह बने हैं। आप कभी वर्ल्ड का मैप निकाल के देखिएगा, पैसिफिक ओशन में उसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ फायर मतलब वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा जापान, इंडोनेशिया, तो बाली आइलैंड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होती है, तो वहाँ पे आइलैंड भी बहुत ज़्यादा है। आप कभी मैप देखिएगा, आप लगातार सुनते होंगे दक्षिणी चीन सागर में द्वीपों को लेकर विवाद होता है, या चीन का जापान से कोई भी द्वीप का विवाद चल रहा है, किसी द्वीप पे कब्जा करने का, फिलीपीन से विवाद चल रहा है। तो यही सब रीज़न होता है कि नए नए द्वीप वहाँ पे हज़ारों सालों में बने हैं, बहुत सारे द्वीप सैकड़ों सालों में बन जाते हैं, धीरे 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 मैग्मा इकट्ठा होता गया और उसके बाद जो है एक सरफेस क्रिएट हो गया। तो ये दूसरा है, इसे बोलते हैं अपसारी परिसीमा, ठीक है।
आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। तीसरा है रूपांतरित परिसीमा। रूपांतरित में होता है ना कि दो विपरीत दिशाओं में अगर चला जाता है तो बीच का हिस्सा हो सकता है कि धस जाए, ठीक है, या फिर जो है साइड से स्लाइड कर गए तो बीच का हिस्सा प्लेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है वो हो सकता है कि धस जाए, नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये तीनों जो है प्लेट का प्रकार दिया गया है और इनका जो है क्या महत्व है, क्या चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी, ठीक है। चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो वर्ल्ड के प्लेट हैं उनकी प्रमुख प्लेट हैं, उनका जो है यहाँ पे इन्होंने मैप दे दिया है कहाँ पे कौन सा प्लेट बन रहा है। मैंने मैप पढ़ने का तरीका भी आपको समझाया था, आपको याद होगा 6th क्लास में शायद चैप्टर 4 या 3 था, वहाँ पे हमने किया था ये सारी चीज़ें। देखो देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, और ये ऊपरी हिस्सा क्या होगा, ये ऑलवेज नॉर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आकृति दी गई है डॉट डॉट, तो ये यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कौन सा है, विनाशकारी प्लेट सीमा है, ऊपर प्लेट की गति दिखाई गई है, निर्माणकारी सीमा दिखाई गई है, तो वो मैप के द्वारा बताई गई है सारी चीज़ें, ठीक है। विनाशकारी में क्या होगा कि एक प्लेट नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाएगा तो वो वहाँ पे मेल्टिंग होगा, जैसे देखिए पैसिफिक ओशन का रेंज यही है, तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए डॉट दिए हुए हैं, देख रहे हैं आप इतने सारे, तो ये सारे जो हैं महासागरों में जो है आइलैंड के बनने के प्रमाण है, उनका व्यक्ति दिया गया है, लोकेशन दिया गया, ठीक है। और निर्माणकारी भी है, और निर्माणकारी जो है ये सब है जो यहाँ पे दिया हुआ है, सब ये सब निर्माणकारी है, तो इसको आप मैप के सारे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं, कुछ अभिसारित परिसीमा का निर्माण करते हैं, जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो तब वे टकरा कर टूट जाती है, या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जो मैंने अभी समझाया आपको। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति कर सकते हैं और रूपांतरित परिसीमा का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण ही महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गति से प्रभावित हुआ है। यहाँ पे क्या आप जानते हैं, हमें वही समान बातें की गई है कि ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के क्षेत्रों में ही क्यों आता है। मेल्टिंग वगैरह ज़्यादा होगी तो अगर प्लेट बन रहा है या टकराहट होगी तो भूकंप आना स्वाभाविक है। अगर प्लेट मेल्ट होगा तो वो ज़मीन से बाहर तो निकलेगा ही, तो वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा है। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात महाद्वीपीय भाग को प्रायद्वीपीय भाग, सॉरी प्रायद्वीपीय भाग मतलब साउदर्न इंडिया का हिस्सा, को गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा नहीं, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी में अनेक टुकड़ों में विभाजित किया। संवहनीय धाराएं होती हैं जो पृथ्वी के अंदर एक तरह की धारा चल रही होती है, जिसके प्रभाव से प्लेटों का मूवमेंट होता है, वही चीज़ है। और इस प्रकार भारत, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी, और उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट अर्थात यूरेशियन प्लेट से टकराई। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बताना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे। अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिज भू अभिनीति के अवशादित चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए, ठीक। अब जब गोंडवाना लैंड का मूव किया उत्तर के तरफ, तो पहले से यहाँ पे एक यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियाई प्लेट, दोनों में टकराहट हुई। तो जब दो प्लेट टकराएंगे, दोनों स्थल के प्लेट हैं, लैंड लैंड है, तो लैंड और लैंड के प्लेट टकराने पे जमा होने लगेंगे। जमा होने के बाद क्या होगा कि इनमें ऊंचाई आने लगेगी, तो ऊंचाई से क्या होगा, हिमालय का निर्माण होगा। और पहले से वहाँ पे एक टेथिस सागर था, तो उसके भी जो स्थल में जो मिट्टी थी उसका भी इसी के बनाने की प्रक्रिया में वो टकराया, तो वो भी जो है उठ गया। तो वहाँ पे जो है यहाँ पे उत्तरी हिस्सा उठ गया और दक्षिणी हिस्सा भी उठा,
बीच का हिस्सा धस जाएगा। मतलब जब दोनों तरफ से टकराइएगा, आप अपने दोनों उंगली को टकराएंगे तो देखेंगे दोनों उंगली को अपने सामने से टकराइए, दोनों बीच बीच का उंगली मिलाइए और सबको मिलाइए, और जब आप फोर्स लगाएंगे तो सीधे वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। मूव करने के बाद देखिए एक मैप टाइप का बन रहा है, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं किसी को तो उस टाइप की आकृति बन रही होगी, तो वही दिखाया है इसमें। तो बीच वाला हिस्सा यहाँ पे धस गया, जो आज का मैदानी क्षेत्र है हमारा, जो दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, उसी चीज़ को बताया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, गोंडवाना भूमि क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ये हम बात कर चुके हैं। 33 के हिमालय के ऊपर चढ़ उठने और महाद्वीपीय भाग के उत्तरी किनारे से नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। कौन सा? जो मैदानी क्षेत्र है वो, वहाँ पे एक द्रोणी मतलब खाई, खाई क्षेत्र का निर्माण हो गया, ठीक है। वहीं इसमें बताया गया है कि एक द्रोणी क्षेत्र का निर्माण हो गया। चलिए अब जो है, समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी नीचे, नदी जो है हर साल अपने साथ मिट्टी लाई और वहाँ पे जो है नदी साथ में बहकर आई और यहाँ पे जमा करती रही, धीरे 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 करके ये भरता चला गया और यह धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। हम ये अभी बात कर ही चुके हैं पहले ही। चलिए अब इसमें जो है आगे बढ़े, भारत की बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं, एक मिनट रुकिए। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भिक तौर पर महाद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार क्यों? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि बहुत पुराना जो है एक स्थलखंड था। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, इसी भूमि का एक बहुत ही, या भूमि का बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय और उत्तरी मैदान हाल की बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भिक वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, ठीक है, क्योंकि ये बाद में निर्मित हुआ है और इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें कि ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। प्रायद्वीपीय पठार में आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बनी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिणी भाग है, ठीक है। अगले क्लास से हम जो है, जो भौगोलिक वितरण है भारत का, जो भौगोलिक आकार है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखिए ये छः, इन सब पे हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए ठीक है, नमस्कार।